नमस्कार, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आपको दिखाएंगे वॉच और करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग। तो वेलकम टू द सनी क्रिएशला। और आज जो मैं घड़ी आपके लिए लेके आता हूँ, कहाँ गई मैं नहीं बताऊंगा। ये रही मेरी वो घड़ी भाई साहब। इस वॉच का नाम है W97 Pro Plus, बहुत कुछ लंबा नाम है। इस वॉच की करूंगा पूरी अनबॉक्सिंग, दिखाऊंगा डिटेलिंग, और इसके साथ है वायरलेस चार्जिंग, सारे फीचर्स इस वॉच के कवर होंगे। कहां पर? यहीं पे इसी वीडियो में। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है इस वीडियो में आने के लिए। तो ये है हमारी प्यारी सी वॉच W97 Pro Plus, बिग डिस्प्ले 1.92 इनफाइनाइट डिस्प्ले, और उसका ये डब्बा है। डब्बा बड़ा अच्छा सा है, ब्लैक कलर का है, और इधर है इसमें बीटी कॉल सपोर्ट करेगा, कैमरा, म्यूजिक, हार्ट रेट, स्पोर्ट्स, और इधर फोन बुक, अलार्म, म्यूजिक, और ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। मेड इन चाइना है, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये वायरलेस चार्जिंग है भाई, तो मतलब अच्छी है। बाकी एक बार ओवरव्यू लेते हैं। ब्लैक कलर है, यहाँ पे एक कलर का निशान है, हमने ब्लैक ऑर्डर किया है। ये यूजर मैनुअल है, ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। और ये चार्जर देखिए, वायरलेस चार्जर है, लेंथ भी काफी अच्छी लग रही है, वायर होल्डेड है, लेंथ काफी सही है इसकी। और इधर लाइट आती थी, वो लाइट अभी आना बंद हो गई है, ठीक है। तो ये वायरलेस चार्जिंग हो गया। ये वॉच, ये स्ट्रैप है, नॉर्मल क्वालिटी के स्ट्रैप, तो स्ट्रैप मुझे खास इतने वाले अच्छे पसंद नहीं आते, बट मैंने ये वाले स्ट्रैप भी ऑर्डर किए हैं। ये देखिए आप दिख रहे हैं आप, ये 44, 45, 49 तीनों वॉचेस में लग जाते हैं। और हमारी जो वॉच है अभी देख लेते हैं, और इसमें लगा के भी आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पाइजन का आ रहा है, अभी बहुत शानदार चल रहा है। तो वॉच का सबसे पहले यहाँ से हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए वॉच लुक आप देख रहे हैं, इधर ये क्रोम बटन है, वर्किंग है, और इधर ये पावर ऑन है, और इधर ये स्पीकर की ग्रिल है, राइट, और इधर ट्रैप लूप दिए गए हैं। पीछे अगर हम बात करें तो भाई पीछे इसमें बताया गया है कि वॉच सीरीज 745mm एल्यूमिनियम, राइट। तो अभी हम इसको स्विच ऑन कर लेते हैं एक बार, स्विच ऑन ही है वॉच, तो सीरीज 7 पर बेस्ड है। वॉच फेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 वॉच फेसेस इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं, और वॉच अच्छी लग रही काफी। एक बार स्ट्रैप लगा के देखते हैं, ये वाला लगाएं या ये वाला, तो ये वाला लगाते हैं, ये तो आपने देखे ही होंगे नॉर्मली। तो ये स्ट्रैप भी अनबॉक्स करते हैं हम। सारी डिटेल बताऊंगा कि वॉच मैंने कितने में मंगवाई और ये मुझे कितने का पड़ा। स्ट्रैप देखो मुझे पड़ा है भाई, ये इनका प्राइस पड़ा है मुझे मात्र 220 रुपये का, और जो वॉच पड़ी है मुझे वो पड़ी है यार ये 1600 रुपये में। तो अभी मैं इस वॉच का ये स्ट्रैप निकालता हूँ यहाँ से, तो मज़ा आएगा अभी आप लोगों को देख के, लगेगा कैसे। यहाँ पे ये एक लूप में मेटल में है, ये देखो क्वालिटी तो सही है स्ट्रैप की, आ गया। तो चाहे 44 हो, चाहे 45 हो, या 49 हो, उनका जो स्ट्रैप का साइज है वो सेम ही है। मतलब हम इसमें स्ट्रैप 49 वाले भी लगा सकते हैं, और इसके स्ट्रैप उसमें भी लग जाएंगे। भाई पूरी डिटेलिंग दूंगा अभी, वॉच को पेयर कैसे करना है, फोन के साथ कैसे कवर अप करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये यहाँ हमारा फाइनली स्ट्रैप जो है लग गया है। देखिए स्ट्रैप लगने के बाद कुछ लुक इस तरीके की आ रही है, अभी मैं पहन के दिखाता हूँ आपको। वियर करते हैं इसको, इलास्टिक है थोड़ा सा, हट पे आ जाएगा आराम से। ये इस तरीके से कुछ लुक आ रही है देखिए स्ट्रैप की। तो स्ट्रैप अच्छी क्वालिटी का है, बट इसका थोड़ा लगाने में ये टाइट है हुक, एक बार आप समझ लेंगे तो इजीली लग जाएगा। देखो इसमें अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। लेफ्ट से राइट करेंगे तो ये टोगल बार आता है, और अप से डाउन करेंगे तो ये नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, और नीचे से ऊपर करेंगे तो मैसेजेस आता है, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये पेडोमीटर आ जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए नोटिफिकेशन आई, ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है, तो अभी हम इसकी ब्लूटूथ कॉलिंग चेक कर लेते हैं। मैं अपना फोन लेता हूं और उसमें ब्लूटूथ ऑन करता हूं। ब्लूटूथ ऑन किया हमने, अब यहां पे पेयरिंग चेक करते हैं इस वॉच की। सर्च में आया नहीं यार अभी तक। तो ये वॉच 7CD C3 आ गया सर्च में, क्लिक कर लेते हैं इसको, ओपन करते हैं। ये पेयरिंग हो रही है फ्रेंड्स, अलाउ एक्सेस, कनेक्टेड, और इसमें देखिए 40% बैटरी है, और ये इन यूज फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक। अब हम इसमें कॉल्स भी कर सकते हैं और मीडिया को प्लेबैक भी कर सकते हैं, तो लेट्स चेक करते हैं, चलिए आइए। तो फ्रेंड्स अभी हम वॉच का म्यूजिक टेस्ट कर लेते हैं। म्यूजिक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे,
और लेट सपोज मैं कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ। स्पीकर की आवाज देखिए, वॉल्यूम बढ़ता है क्या? साउंड यार काफी अच्छा है इसका। तो भाई साउंड अच्छा है इस वॉच का। स्पीकर टेस्ट हमने कर लिया है, अभी और आगे चेक करते हैं इसमें क्या ऑप्शंस हैं। तो मेन्यू खोलते हैं इसका। मेन्यू में स्टेप्स हो गया या हार्ट रेट हो गया। सेंसर देखो काम के नहीं होते इनके। मैसेजेस है, अभी मैसेजेस नोटिफिकेशन चेक करेंगे। फोन बुक आ गया, आप फोन नंबर वगैरह अभी ऐप से कनेक्ट होते ही ये सारा काम होगा। म्यूजिक कंट्रोल हो गया, लुकिंग फॉर फोन ढूंढेंगे तो ये फोन ढूंढेगा, ये भी ऐप से ऑप्शन काम करेंगे। कैमरा है, रनिंग है और ये सारी आपकी एक्टिविटीज हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लैंग्वेज और ये डाउनलोड QR कोड। तो QR कोड पे चलते हैं। और बेस्ट चीज भाई इस वॉच की भी बताऊंगा, इसमें आएगा एप्पल लोगो। यस फ्रेंड्स, इस वॉच के अंदर एप्पल लोगो आता है। वो कैसे आएगा उसका कोड भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। तो फोन खोला और मैंने कैमरा निकाला, गूगल लेंस। तो ये गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं। प्रोफिट बैंड ही इसमें सपोर्ट करेगी, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास, राइट। तो अब हम इसको पेयर कर लेते हैं, सर्च करते हैं डिवाइस। तो ये देखिए यहाँ पर वॉच शो कर दी है मुझे एप्लीकेशन में। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको कनेक्ट करते हैं। स्कैन हो रहा है, ये वॉच कनेक्ट हो चुकी है मेरी। तो ये सिंक हो रही है अभी, यहाँ टाइम सेट हो जाएगा एक बार। ये अभी टाइम देखिए सेट हो गया और यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। अभी इसका जो मतलब डिस्प्ले बहुत जल्दी जा रहा है, यानी स्क्रीन का जो टाइम है बहुत जल्दी चला जाता है। फाइंड बैंड हल्का सा वाइब्रेट होता है बैंड को फाइंड करने में, मतलब कोई काम का फीचर नहीं है। इंफॉर्मेशन आप अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हो, हाइट वेट वगैरह। ये स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स हमें टारगेट करने हैं। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये यहाँ स्टेप शो करता है डैशबोर्ड पे। सेल्फी, तो ये अभी जैसे मैंने यहाँ पे अपना फोन रखा और मैं इसको शेक करता हूँ तो ये वॉच के लिए टाइमर स्टार्ट हो गया। देखिए फोटो क्लिक करने का, तो ये सेल्फी क्लिक करने का ऑप्शन है। सडन स्टेरी, इसका मतलब है कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे, से आप बहुत देर मतलब अपने सिस्टम पर बैठ के काम कर रहे हैं और थक गए, आपको ध्यान ही नहीं है कि मुझे अब उठना है, तो आप यहाँ अपना टाइम शेयर कर सकते हैं। 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, उसके बाद ये हर 60 मिनट में बीप करेगा और आपको वॉच में नोटिफाई करेगा। इसके बाद ये अलार्म का ऑप्शन है, आप इसमें अलार्म सेव कर सकते हैं। जो अलार्म का ऑप्शन यहाँ दिखा रहा था वो यहाँ से ऐड करके फिर इसमें दिखाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक्टिवेट ऑन रिस्ट, अभी जैसे मैं इसको रिस्ट में पहनता हूँ, अभी मैंने रिस्ट में पहन लिया और ये लॉक्ड है सब कुछ। तो अभी जैसे मैंने ये रिस्ट में पहन लिया, अभी मैं इसको देखने के लिए टाइम करता हूँ पर तो नहीं आ रहा। देखो मुझे बटन प्रेस करके ही देखना पड़ेगा। अभी मैं जैसे एक्टिवेट ऑन रिस्ट ऑन कर दूंगा, अब मैं लिफ्ट करूंगा अपना हैंड तो ये देखिए शो कर रहा है, बंद है तो बंद हो जाने दो, फिर दोबारा करते हैं, शो कर रहा है, राइट। इसके बाद हम इसके अगले फीचर की तरफ चलते हैं, ऐप पुश। अब हम चेक करते हैं कि SMS और WhatsApp का हमें नोटिफिकेशन देता है या नहीं देता। तो अभी यहाँ पे टिक किया हुआ है WhatsApp और SMS, तो अभी हम जाते हैं SMS भेज के चेक करता हूँ उसको मैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू, ओके, और मैं यहाँ भेज देता हूँ अपने दूसरे फोन से। यहाँ मैसेज किया मैंने, फोन पे भी नहीं आया अभी तक, तो यहाँ तो आ गया, इधर नोटिफाई किया गया, यहाँ तो नहीं आया मैसेजेस में। व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप किया मैंने, अभी तक पहुँचा नहीं है मेरा मैसेज। तो व्हाट्सएप देखिए यहाँ आ गया फोन में और वॉच में अभी तक, ट्रेंड है फिश नहीं आया। यहाँ फिर ये ऐप देने का फायदा ही क्या है जब ये सिंक नहीं हो पा रहा था इससे। ये रहा व्हाट्सएप, अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। ऐप खोल के देखा तो भाई दिखा रहा है, वैसे नोटिफाई नहीं किया इसने, पर दोबारा भेजता हूँ, यहाँ तो आ गया, यहाँ नोटिफाई नहीं किया मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, वेदर है। इसके बाद ये डायल सेटिंग है, यानी यहाँ पे हम कस्टम वॉच फेसेस लगा सकते हैं। तो ये कुछ इंस्टॉल्ड वॉच फेसेस है जो हम इसमें सिंक कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये वाला लगाना है भाई, तो मैं यहाँ सिंक ऑन कर दिया हूँ। सिंकिंग प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है आई थिंक। तो भाई ये सिंकिंग हो गई, सिंकिंग होने के बाद ये वॉच फेस देखो मेरा यहाँ लग चुका है। बट सिंकिंग का प्रोसेस यार बहुत ही बेकार है, बहुत ही स्लो, अराउंड 3 मिनट ले लेता है।
इसी तरह आप कस्टम वॉलपेज भी लगा सकते हो। यहाँ पे जाओगे जब आप कस्टम में और चेंज बैकग्राउंड इमेज, एल्बम में जाके आपको जो भी पसंद हो अपनी फोटो वो लगा सकते हो। मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है ये। इसके बाद डायल सेटिंग के बाद ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में हम अपना यहाँ पे कोई भी नंबर या प्लस करके सेव कर देंगे। उससे होगा क्या कि जब आप वॉच में अपने मेन्यू में जाओगे तो आप डायरेक्ट फोन बुक से, जैसे अभी इसकी फोन बुक कहाँ है, ये रही, ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्ट फोन बुक से जाकर आप इस नंबर को निकाल के, अभी जैसे मैं यहाँ सेव करता हूँ RAM123, तो यहाँ पे देखिए राम नाम लिख के आ गया वॉच में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट इसको अब आप कॉल कर सकते हो, राइट। इसके बाद हम बात करें अदर, ये वाइब्रेट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। OTA अगर कोई अपडेट आती है तो उस, अभी अपडेट है ऑलरेडी, रीसेट करोगे वॉच रीसेट हो जाएगी, अनबाइंड पे अनपेयर हो जाएगी, और बाकी ऐप से रिलेटेड डिटेल। तो वही नॉर्मली प्रॉफिट ऐप है, कोई ऐप इतनी रिलायबल भी नहीं है और ये वॉच भी मतलब ठीक ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वॉच में और क्या खास है, सबसे मेन चीज़ है इसमें एप्पल लोगो आता है, तो वॉच के अंदर लोगो लगाना बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए एक सीक्रेट कोड होता है। तो अभी डायलर पे चलते हैं, इसको मैं अनपेयर कर लेता हूँ, अभी हम इसके अंदर डायलर पे चलते हैं, ठीक है भाई, ये डायलर आ गया। अब यहाँ पे मेरा वो कोड है 4949 4949 4949, और इसके बाद है 01। अब आप इसे प्रेस करेंगे और ये देखो कोड आ गया ना एप्पल का, सॉरी एप्पल का लोगो आ गया ना। अभी मैं वॉच को स्विच ऑफ करता हूँ, तो यहाँ भी देखो कोड लोगो आ गया। तो भाई वॉच के ऑन में भी लोगो और ऑफ में भी लोगो, तो दोनों तरफ हमें लोगो इसमें मिल जाता है। और इसमें एक चीज और है, जब आप इस वॉच को रीसेट करोगे तो ये वॉच वापस ही लोगो हट चुकेगा इसके अंदर। और इसके अंदर अगर हम बात करें, कैलकुलेटर वगैरह इसके अंदर नहीं है, वॉल्यूम वगैरह हम इसमें बढ़ा नहीं सकते वॉच की, देखिए कहीं भी कैलकुलेटर ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ठीक है वॉच, इतना कुछ मतलब ठीक ठीक लगी, ओके। तो गाइस आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया होगा, आपको बहुत सारी जानकारी जो इस घड़ी से रिलेटेड चाहिए थी वो पूरी मैंने आपको दे दी, कैसे वॉच फेस लगाना है, कैसे सारी चीजें करनी है, लोगो कैसे लगाना है। लेकिन मैं इस घड़ी से बहुत हुआ निराश, क्योंकि मुझे मजा नहीं आया, इसका बैटरी बैकअप भी प्रॉब्लम लग रहा है, प्लस इसका जो UI है वो बहुत लैग करता है, अटक रहा है, और मतलब प्राइस के हिसाब से आई डोंट रिकमेंड कि ये वॉच अच्छी है, बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं भाई। और इसी तरीके के धांसू धमाकेदार बढ़िया वाले वॉचेस या टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल सनी की टेक चाला को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको मिलेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।